तो यार एक दिन मैं गधे बिछ के सो रहा था, तभी मेरी मम्मी की आवाज आई, अबे नहीं उठ जा, 10 बज चुके हैं, कब उठेगा। तो यार मैं झट से उठ गया। मैं यार चाय के साथ अपने एडिटिंग पीसी पे गया और मैं अपने पीसी को अनलॉक किया। जैसे मैं चाय पिया वैसे मेरी जीभ जल गई, और वो चाय नहीं बल्कि पानी ही थी। आई नो यार ये बात में कोई सेंस नहीं है। तो उसके बाद मैं गया अपने YouTube स्टूडियो में, जाकर मैं देखा तो भाई हमारे 60 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। तो अब मैं सोचने लगा भाई 60 के स्पेशल क्या वीडियो आनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया, व्हाट इनसाइड माय क्रिकेट की, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो ऑफ सोलो क्रिकेटर। तो भाई थैंक यू। फाइनली भाई हमारा 60K सब्सक्राइबर कंप्लीट यार हो चुका है भाई, दिल से थैंक यू आपका सपोर्ट और आपके इतने प्यार से भाई 60K कंप्लीट हो गया है भाई। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, जल्दी से जल्दी यार 100K कंप्लीट कराओ यार, एक बहुत ही स्पेशल इससे भी ज्यादा ही आने वाला है। सो गाइस यार 60K स्पेशल वीडियो पे फाइनली यार मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए अपना किट को अनबॉक्स करने वाला हूं। ये मेरा पुराना किट है बट इसके अंदर मैं बहुत कुछ नया नया चीज ऐड की है, वो क्या है भाई आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और आप लोग बहुत ही बोल रहे हैं भाई गिव अवे करो। भाई मैं बहुत आपको गिव अवे करूंगा जब भाई हमारे इंस्टाग्राम पेज पे solo.cricketer पे 5K फॉलोअर कंप्लीट हो जाएंगे तब। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ कर ही लेते हैं। तो भाई जल्दी से करते अपने किट को अनबॉक्स, खोलते हमारे सामने आती है ये है हमारा हेलमेट। तो ये हमारा SS का हेलमेट, बट आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई तेरे पास तो कुछ का हेलमेट था पर ये SS का हेलमेट कहां से आया। तो मैं बताना चाहता हूँ ये मेरा एक फ्रेंड का हेलमेट है भाई, ये हेलमेट मेरे को फिट आ रहा था, वो वाला कुछ हेलमेट भाई वो मेरे को फिट नहीं आता था, वो थोड़ा लूज होता था, इसी कारण मैं उसको एक्सचेंज कर लिया और ये वाला हेलमेट मैं ले लिया हूं। और इसे लिटरली मेरे को यार बहुत ही अच्छे से बॉल दिखता है और ये भाई मेरे लिए बहुत ही अच्छा हेलमेट है, इसीलिए इस हेलमेट को मैं लिया। सो गाइस अब हमारे पास है ये है हमारा ग्लव जो इसलिए थोड़ा खराब हो गई और थोड़ा पुराना भी हो गई है, पर ये एक स्पॉन्सर ग्लव था जिसका मैं स्पॉन्सर आज से 8-9 महीने पहले इसका स्पॉन्सर मैं कर चुका हूँ, AI स्पोर्ट के आने वाले ग्लव्स जो कि मेरे को स्पॉन्सर किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन और चैनल से परचेज भी कर सकते हो, तो वो वीडियो जाकर देखो उसके बाद परचेज कर लेना। सो गाइस अब आती है यहाँ पे थर्ड हमारा एब्डोमिनल गार्ड, और देखो आपको पता ही है ये कहाँ यूज होता है। सो गाइस अब मेरे पास है यहाँ पे बैग में मैलेट, तो आप जानते हो वर्क क्या है, इससे अपने बैट को करते हैं नॉकिंग। तो भाई यार मैं एक नया बैट परचेज किया हूँ पर उसको नॉक करने के लिए ये वाले हैमर को एकेडमी से मांगकर मैं लाया हूँ, भैया से मांगकर लाया हूँ भाई, उस समय अभी नॉकिंग कर रहा हूँ। तो भाई यार अब आता है हमारा ये आर्म गार्ड। भाई क्रिकेट में सारी प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए बैटिंग करते वक्त, तो भाई यार मैं आर्म गार्ड हर समय लगा खेलता हूँ मैच में प्रैक्टिस में हर जगह, क्योंकि यार थोड़ी सी चोट कहीं पे भी किसी क्रिकेटर को चोट नहीं लगनी चाहिए भाई। बहुत सारे लोग इसे यूज नहीं करते हैं बट मैं स्पेशली मैं यूज करता हूँ इसे, और इसको यूज करने से लिटरली भाई आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है, क्योंकि अगर आपको चोट जब नहीं जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस भाई लिटरली भाई बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो चाहते हैं बैटिंग करते समय आपका कॉन्फिडेंस भाई बूस्ट, तो इसके लिए आपको पूरे प्रोटेक्शन गियर जरूर से जरूर आगे खेलनी चाहिए। सो अगर आप आती है यहाँ पे हमारा यह विकेट कीपिंग ग्लव, इसको मैं आज से 2 महीने 1 महीने पहले इसको परचेज किया था और भाई ये मेरे को अच्छा रिजल्ट दिया, बटर इसके एक प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्दी खराब हो गई, इसे मेरे को चार चोट नहीं लगती थी बटर देखिए भाई ये बहुत ही जल्दी खराब हो गई, बटर अच्छा काम अभी भी दे रही है, इसको सिला लेंगे। सो गाइस आप बताया हमारा ये हमारा इनर विकेट कीपिंग ग्लव भाई लिटरली भाई बहुत ही गंदा स्मेल भी कर रहा है, बहुत गंदा भी हो चुका है, इसको धोना बाकी है, इसको धो लेंगे। सो गाइस आप बताया हमारा थाई गार्ड, ये manco.in की तरफ से आता है और लिटरली गाइस इसको मैं पिछले फेब्रुअरी से यूज कर रहा हूँ और भाई मेरे को भाई बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट दिया है। और भाई अपने पास ये वाली होगी ये थोड़ा सस्ती आती है एज कम्पेरिजन टू अदर ब्रांड, इसलिए भाई मेरे को थोड़ा सस्ती चाहिए थी उस समय भाई ये ले लिया, इन फ्यूचर यार कभी चेंज कर लेंगे यार बट अभी के लिए भाई परफेक्ट है भाई मेरे लिए। सो गाइस अब आता है हमारा ये पैड, तो ऐसे ये हमारा बैटिंग पैड है जो पुराना वाला था पर ये छोटा हो चुका है, ये बहुत ही ज्यादा हल्का है, इसी के लिए मैं अपना विकेट कीपिंग पैड नहीं परचेज किया बिकॉज ये पूरी तरह से हमारे विकेट कीपिंग करने में हेल्प कर देती है, छोटा भी है और इसको पहनने के बाद लिटरली मैं विकेट कीपिंग कर भी लेता हूँ भाई, मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है ये। मैंने बहुत सारे वीडियो में पैड को पहन के विकेट कीपिंग भी किया है बट यार आप लोग बोलते हो भाई विकेट कीपिंग पैड खरीद लो, बट यार ये मेरे लिए परफेक्ट है और मैं इसको अच्छे से यूज कर भी लेता हूँ भाई, ये ही सही रहता है। अगर आपके पास भी कोई बैटिंग पैड हो जो छोटा हो चुका है तो गाइस आप उसको एज अ विकेट कीपिंग पैड भी आप यूज कर सकते हो, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, जैसे मैं अपना इसे करता हूँ। सो गाइस यार अब हमारे पास आने वाला है वो चीज जो भाई अभी तक इस चैनल पे नहीं आया है भाई, वो है भाई हमारा ये नया बैटिंग पैड। तो चलिए इसको करते हैं जल्दी से अनबॉक्स, ये देखिए गाइस और ये पूरी तरह नया वाला है
और ये रहा हमारा नया बैटिंग पैड, और ये टेस्ट सीरीज की बैटिंग पैड है, और इसको भाई मैंने आज से 2 महीने पहले परचेज किया था, बट इसकी रिगार्डिंग इसके रिलेटेड कोई वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड नहीं किया था, बिकॉज उस समय मेरे पास टाइम नहीं था, बट अब थोड़ा टाइम निकल चुका है, और मेरा मैच भी जो लीग मैच छोड़ी थी वो लीग मैच खत्म भी हो गई है, अब इसे थोड़ा टाइम निकल गया है, और अब इसे भाई टूर्नामेंट आने वाला है और सीरीज भाई बहुत ही आने वाला है। तो भाई इस टेस्ट सीरीज भाई क्वालिटी भाई लिटरली भाई आप लोग के पास होगा ये टेस्ट सीरीज वाले पैड तो पता ही होगा क्वालिटी कैसा है भाई, लिटरली भी बहुत ही अच्छा है। इस पैड से भाई 10 गुना अच्छा ये वाला है। 1100 है, 1000 में मिला था मेरे को, पर इसका गाइस इसका प्राइस है 2000 रुपए। और लिटरली भाई जब से मैं ये पैड पहन के बैटिंग कर रहा हूँ ना, लिटरली मेरे को कभी भी चोट नहीं आई है। और गाइस ये वाले पैड देखो भाई, यहाँ देखो थोड़ी खराब हो गई है। तो गाइस जब मैं पहला मैच खेला पैड पहन के भाई, उस समय पहला ही मैच दिन ये हमारी खराब हो गई, बिकॉज यार अननेसेसरी मैं एक रन दौड़ने लगा, तो भाई उस रन के दौरान मेरे को डाइव लगाने की जरूरत पड़ गई। तो भाई डाइव लगाते समय भाई मैट पे मैच होता भाई, तो मैट पे मैं डाइव लगाया यार, बाहर डाइव नहीं लगाया मैट पे डाइव लगाया, और उसी समय ये खराब हो गई। मैट पे जब लगा तो ये खराब हो गई। पहला ही मैच था यार, बहुत दुख हुआ। पहला मैच में पहला ही पैड में अपने लगाया था, और मेरे को पता नहीं था कि मैट में कैसे खेलते हैं भाई, मैं वो पहला ही मैच था इसी कारण मैं मैट पे ही डाइव लगा दिया। सो गाइस एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आपके पास ये वाला पैड है या कौन सा वाला पैड है। सो गाइस इसको जल्दी से हम लोग करते हैं साइड, और अब बात करते हैं मेरे पास कौन कौन सा बैट अभी है फिलहाल। सो गाइस अब बात करते हैं अपन क्रिकेट बैट के बारे में, मेरे पास कितने सारी बैट है। स्टार्टिंग समय में भाई ये वाला बैट मैं यूज करता था, HRS की बैट है भाई, और लिटरली भाई ये मेरे को 1500 में मिला था, और ये भाई बहुत ही ज्यादा ही भारी है। पहले मेरे को हल्का लगता था, बट जब से मैं हल्का बैट से खेलने लगा हूँ ना, ये बैट भाई बहुत ही ज्यादा भारी लगता है। इससे भाई जब मैं इसे खेलता हूँ ना भाई, मेरे बैट स्विंग की धजिया उड़ जाती है। बट इसी बैट में बहुत सारी चीजें सीखी है जो भाई मेरे को बता नहीं सकता भाई। लिटरली कवर ड्राइव जितनी भी अभी तक जितनी सीखी है क्रिकेट भाई, वो इसी बैट से सीखी है मैंने। सुबह से ये है हमारा दूसरा बैट, जो कि ये मेरा बैट नहीं बल्कि ये मेरे फ्रेंड का बैट है, और इसका बैट है, और भाई इसमें जितना पंच है ना, इतना पंच है इसमें लिटरली भाई, ये मेरे दूसरे बैट में भी इतना पंच नहीं है। और भाई ये 2700 का बैट है, और ये भाई बहुत ही ज्यादा ही हल्का, इतना हल्का है ना भाई मैं वो क्या बताऊं भाई, बहुत ही ज्यादा हल्का है। सुबह यार ये है मेरा तीसरा बैट इसका, जो मैं हाल ही में परचेज किया हूं। अगर आपने इसका ब्लॉग नहीं देखा है, माई न्यू क्रिकेट बैट ब्लॉग अगर नहीं देखा है, तो एक बार जाकर अभी चेकआउट करो जल्दी से जल्दी। तो यार जल्दी से अनबॉक्स करते हैं यहां से। वाओ क्या बैट है यार, इसकी ग्रेन देखो भाई लोग कैसा है। और भाई इसका प्राइस भाई, अगर पिछला वीडियो देखे हो तो भाई कमेंट में जरूर से जरूर बताओ, अगर नहीं देखो तो एक बार जाकर चेकआउट करो, उसके बाद फिर इस बैट का प्राइस बताओ भाई, इस बैट का प्राइस कितना है। और भाई इसको अच्छे से मैं नॉक नहीं किया हूँ, बट यार ये नया बैट है लिटरली भाई, मेरे को भाई बहुत ही हल्का ये बैट है भाई, मेरे पिछले बैट से तो बहुत ही ज्यादा हल्का बैट है। जितने भी अब आने वाली मैच है सब मैं इसी से खेलने वाला हूँ, अभी इसको नॉक करने में कुछ टाइम लगेगी। और भाई आपको कमेंट में बताना है कि आप किस ब्रांड का आप बैट यूज करते हो, SSG क्या कुछ भी यार, आप जल्दी से कमेंट में बता दो यार। तो आज के लिए बस इतना ही, कैसे वीडियो कमेंट में एक बार जोर से जोर बता देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।